मेरा उसको स्विम करना ना यहाँ से ये लेंथ से होता था, उससे पहले उसको एयर में पता नहीं चल रहा था क्योंकि मैं अवे पुश करता था। अब लेफ्ट ही है, अब मेरे ये लेफ्ट ही है। अगर आउट स्विंग कर रहा हूँ तो सेम यही सेम ग्रिप। अगर मैं आउट स्विंग कर रहा हूँ ये शायद है ना, ये लेफ्ट ही कड़ा ना, तो मैं उसको मिडल में पुश करूँगा अगेन, फिर उसके पैड की तरफ मैं मारूँगा, बाहर नहीं मारूँगा। यस, अब लेफ्ट को मैं एंड स्विंग कर रहा हूँ तो फिर मेरा क्या हो जाता है, ये शाइन तो उसको मैं हल्का सा ये चौथी स्टेप की तरफ पुश करता था ऐसे एयर लेना ना, तो ये एंड पे स्विम होता है। और लेफ्टी को राइटी बैट्समैन को भी सेम, फिर मैं खाली सोचा था कि इसको मिडल स्टम्प में वो करूँ, थ्रो करूँ टुवर्ड्स मिडल स्टम्प और हल्का सा उधर स्टेप करूँ, तो इस पर मुझे बहुत कंट्रोल था। आपने जो किसी भी विमर्श अगर इन्फिंग करने में जाएगी तो आपने अभी अब इस तरह कीपर करो ना, कीपर तो थोड़ा बाहर होते ना, तो फिर आपने कोशिश करना है कि आप कीपर की तरफ या ये जो वाइड लाइन होता है ना मार्क लगा होता है वो आपने हिट करना है ताकि बॉल स्विंग हो जाए एंड पे रादर देन कि आपने ऐसे सीधा छोड़ा और वो एयर में यू आए और ऐसे बैट्समैन को पता चली कहाँ यार ये इन स्विंग हो गया बॉल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप जो पहले से बताया